Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, Introductory there एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बार समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, उनके पास कन्फ्यूज़न बाकी ही रह जाता है. ओके फ्रेंड्स, सो आज हम इंट्रोडक्टरी देयर पर ही चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्टरी देयर जो सेंटेंस देयर से शुरू होता है, उस सेंटेंस में वहाँ नहीं रहने के बावजूद भी उसका इंग्लिश में देयर से शुरुआत करते हैं, उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, बट प्रीपोजिशन के साथ आने वाले सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी देयर होते हैं, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, जिनको एक बार समझ में आ जाता है वो फिर कभी दोबारा गलती नहीं करते, बट जिनको समझ में नहीं आता है वो बार बार गलतियां करते रहते हैं. तो आज हम इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आप आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर कभी गलती नहीं करेंगे. इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना. ओके फ्रेंड्स, स्किप मत करना. सो यहाँ पर हमने लिखा है तीन सेंटेंसेस. मेरे गांव में एक मंदिर है, उसके घर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, मेरे स्कूल में कंप्यूटर क्लास नहीं है. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इंट्रोडक्टरी देयर प्रीपोजिशन के साथ. ओके, प्रीपोजिशन इसमें है तो पहले हमें पहचानना है कि प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में क्या है. ओके फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन क्या है? वहाँ पर आप कॉमा मार दीजिए. कॉमा, मेरे गांव में प्रीपोजिशन है तो मे के पास हमने कॉमा मारा. ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है? अब देयर लिखना है. देयर तो हर सेंटेंस में लिखना ही है. उसके बाद अगर एक चीज़ की बात हो रही है तो इज लिखना है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आर लिखना है. यहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हम इज लिखेंगे. देयर इज ए. ओके, इतना तो लिख देना है. देयर इज अ, देयर आर, ऐसा लिख देने का है सब्जेक्ट के हिसाब से. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो लास्ट में है, लास्ट, वो चीज़ पहले लिखना है. लास्ट में क्या है? एक मंदिर. या यूँ समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो शब्द है वो सबसे पहले लिखना है. तो प्रीपोजिशन के बाद आता है एक मंदिर. देयर इज अ टेम्पल. ओके फ्रेंड्स, देयर इज अ टेम्पल. अब उसके बाद क्या करना है? प्रीपोजिशन से शुरू कर देना है. प्रीपोजिशन क्या है? इन है. इन किसके गांव में? मेरे गांव में. माई विलेज. ओके फ्रेंड्स, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज. बहुत ईजी है. आप जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे. दूसरा सेंटेंस, उसके घर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं. उसके घर के पीछे, इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है पीछे. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी पता नहीं है तो आप सीधा सेंटेंस को देयर इज देयर आर लिखने के बाद सीधा उल्टा बनाते चले जाइए. जैसे देयर आर बहुत सारे पेड़, ये एक साथ जुड़े हुए. इसको ऐसा मत लिखना कि ट्री मैनी सो, ऐसा नहीं लिख देना है. बहुत सारे पेड़ यानी कि प्रीपोजिशन के बाद है. ये प्रीपोजिशन पीछे हुआ, उसके बाद है. तो बहुत सारे पेड़, सो मैनी ट्रीज. अब उसके बाद क्या करना है? ये लिखा गया पूरा, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो बिहाइंड. ओके, उसके घर के पीछे तो बिहाइंड हिज हाउस. ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस, मेरे स्कूल में कंप्यूटर क्लास नहीं है तो देयर लिखेंगे पहले. देयर इज. ओके, इसमें प्रीपोजिशन क्या हुआ? मे हुआ. तो देयर इज, अब मे के बाद वाला हम पहले लिखेंगे. इज के बाद ये नेगेटिव है इसलिए नॉट जरूर लगेगा. देयर इज नॉट क्या नहीं है? कंप्यूटर क्लास. तो कंप्यूटर क्लास का नहीं है. अब उसके बाद ये पूरा हो गया, उसके बाद क्या लिखना है? प्रीपोजिशन इन, कहाँ पे? मेरे स्कूल. तो इन माई स्कूल. There is not computer class in my school. Okay friends, इस तरीके से हम किसी भी प्रीपोजिशन वाले, इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंस को इस तरीके से हम बना सकते हैं. अगर आप कन्फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन को पहचानिए. प्रीपोजिशन क्या क्या है उनको आप याद कर लीजिए कि क्या क्या प्रीपोजिशन होते हैं. फिर सेंटेंस में जहाँ भी प्रीपोजिशन है उसके ऊपर कॉमा मारिए,
फिर उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद वाले सबसे पहले लिखना है, देयर इज, देयर आर के बाद, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद लास्ट में जो बचता है वो। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ और सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स से आपको हम समझाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी एक क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस लेते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। कमरे में कौन है, हु इज, हु इज लिख दिया हमने, कौन है, हु इज, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो हु इज, अब हम देयर लिखेंगे, हु इज देयर इन द रूम, हु इज देयर इन द रूम। ओके फ्रेंड्स, कमरे में कौन है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम इजारम, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से इजारम लगाएंगे, या था थे थी होगा तो वाज और लगाएंगे, शैल बी विल बी होगा तो शैल विल लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देयर लगाएंगे। ओके, छत पर क्या है, तो क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया, व्हाट इज, उसके बाद हम देयर लिखेंगे, व्हाट इज देयर, What is there? On the roof. Okay friends, पेड़ के नीचे किसकी बाइक है, तो whose bike? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, whose bike is, उसके बाद there, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद there लिख ही देना है। नीचे तो under the tree। तुम्हारे स्कूल के पास कितनी दुकानें हैं, स्कूल के पास यानी कि आसपास, आसपास की बातें कर रहे हैं, स्कूल के अंदर की बात नहीं कर रहे हम। ओके, तो हाउ मैनी, क्वेश्चन वर्ड हो गया इसमें, हाउ मैनी शॉप्स आर, फिर देयर। ओके, हाउ मैनी शॉप्स आर देयर, उसके बाद क्या है, पास है तो नियर योर स्कूल। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बोल चाल में यानी बोलते वक्त आप किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन के वक्त आप अगर हु इज देयर ना बोल के हु इज इन द रूम बोलेंगे तो भी चलता है, इसको हम गलत नहीं समझ सकते। ओके, ये गलत नहीं कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज देयर ना बोल के हम व्हाट इज ऑन द रूफ भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक ग्रामेटिकल में आपको बता रहा था कि ग्रामेटिकल सही क्या है, राइट क्या है। ओके फ्रेंड्स, हुज बाइक इज देयर अंडर द ट्री, देयर ना लगाकर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हुज बाइक इज अंडर द ट्री, ये भी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, बट आप देयर लगाते हैं तो अच्छा लगता है सेंटेंस सुनने में भी, और ग्रामेटिकल भी सही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो कन्वर्सेशन के टाइम में अगर हम इसमें देयर ना लगाकर बिना देयर के भी अगर हम बोलते हैं तो उसको गलत नहीं समझा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। ओके, उस पेड़ पर चार बंदर थे, देयर वर फोर मंकीज ऑन दैट ट्री, छत पर कितने आदमी हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑन द रूफ, क्या तुम्हारे घर के पीछे खजूर का पेड़ है, इज देयर डेड ट्री बिहाइंड योर हाउस, उस तालाब में कितने मगरमच्छ हैं, हाउ मैनी क्रोकोडाइल्स आर देयर इन दैट पॉन्ड, क्या उस नदी में मछलियां हैं, इज देयर फिश इन दैट रिवर, क्या तुम्हारे गांव में स्कूल है, इज देयर एनी स्कूल इन योर विलेज, क्या इस शहर में कोई अच्छा सिनेमा हॉल नहीं है, इज देयर नॉट एनी गुड सिनेमा हॉल इन दिस सिटी, क्या उस दुकान के पास कोई कंप्यूटर क्लास है, इज देयर एनी कंप्यूटर क्लास नियर दैट शॉप, मेरे घर के बाजू में एक सिनेमा हॉल है, देयर इज अ सिनेमा हॉल बिसाइड माई हाउस, तुम्हारे सर पर क्या है, वॉट इज देयर ऑन योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर क्या है, वॉट इज देयर ओवर योर हेड, कमरे में कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रूम, उस पेड़ पर कितने कौवे थे, हाउ मैनी क्रॉस वर देयर ऑन दैट ट्री,
दरवाजे पर किसका कुत्ता है? हुज डॉग इज देयर एट द डोर? क्या तुम्हारे घर पर कोई नौकर है? इज देयर एनी सर्वेंट एट योर हाउस? क्या उस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है? इज देयर अ टेम्पल बियॉन्ड दैट माउंटन? क्या उस नदी के पार कोई स्कूल है? इज देयर एनी स्कूल अक्रॉस दैट रिवर? फ्रेंड्स, अभी हमने पहाड़ के पार बोला तो बियॉन्ड बोला, और अभी नदी के पार बोल रहा हूँ तो अक्रॉस बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों? पहाड़ के उस पार जो भी कुछ होता है वो हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, यहाँ से नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको हम बियॉन्ड कहते हैं, बिल्कुल पार, यानी कि उस पार। ओके फ्रेंड्स, बट अगर नदी के पार होता है तो हम उससे देख भी सकते हैं, अगर सामने है नदी के पार में तो वो हमें नज़र आ भी सकता है, इसके लिए उसको हम अक्रॉस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जांपल्स के द्वारा भी और भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्टरी देयर सेंटेंसेस के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद किया, पूरा विश्वास है मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब किसी भी तरह के इंट्रोडक्टरी देयर वाला सेंटेंस बनाने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अभी फिर से आप कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को वैसे लोगों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।